यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दक्षिण कश्मीर में आज सुबह आतंकियों ने दो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है, जहां पुलवामा में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, वहीं अनंतनाग में सीआरपीएफ की कंपनी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलवामा में आपको बता दें कि दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, अनंतनाग में 10 जवान जख्मी हुए हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि पुलवामा में दो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है, रमजान का पवित्र महीना, बावजूद इसके फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किए हुए है और इस बीच मुठभेड़ में पुलवामा में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 10 जवान जो है वो घायल हुए हैं अनंतनाग में। तो यहां पर आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। रमजान के पवित्र महीने में भी पाकिस्तान रुक नहीं रहा है और लगातार फायरिंग कर रहा है।